वेलकम बैक टू आवर YouTube चैनल सेक ब्लॉग। सो गाइस, आज का जो ये वीडियो है जो ब्लॉग नहीं होने वाला है, अगर आप ब्लॉग के मकसद से आए तो प्लीज़ ये ब्लॉग नहीं है, जो कि यह बहुत बड़ा सैड न्यूज़ है हम सभी क्रिकेटर्स का और जो विराट सर के जो बड़े बड़े फ़ैन हैं, मैं भी उन फैन में से आता हूँ। सो उन सभी के लिए सैड न्यूज़ है, मैं भी बहुत सैड हूँ ये न्यूज़ सुनने के बाद, जो विराट कोहली ने अपने से ट्वीट किया है कि ये मैं कैप्टेंसी छोड़ रहा हूँ इंडियन टीम T20 से, और IPL से भी सुनने में क्या, मैंने देखा खुद कि IPL से भी उन्होंने बोले हैं कि अब मैं IPL RCB से भी कैप्टेंसी छोड़ रहा हूँ, लेकिन ऐसा नहीं कि मैं जर्नी ख़त्म कर रहा हूँ, जर्नी मेरा रहेगा, लेकिन वही है कि कैप्टेंसी मैं छोड़ रहा हूँ, इस साल आखिरी होगा उनका। और गाइस, BCCI का मैं एक न्यूज़ देखा हूँ जिसमें BCCI ने बोला है कि अगर इंडियन टीम को विराट कोहली जिता देते हैं T20 लीग में, सो फिर BCCI उनसे रिक्वेस्ट करेगी कि प्लीज़ आप कैप्टेंसी मत छोड़ो, कैप्टन रहो। तो एक अभी रास्ता है, और जो विराट कोहली सर ने जो लिया डिसीज़न, मैं उससे सेटिस्फाइड नहीं हूँ, मेरे हार्ट को सर्टिफाइड नहीं मिल रहा है, मेरे दिल को सर्टिफाइड नहीं मिल रहा है। सो मेरा वीडियो बनाने का यही मकसद था कि बहुत से कैप्टन इंडियन टीम में मैंने देखा, बहुत वर्ल्ड में भी देखा, मैं पूरे मतलब वर्ल्ड के जितने भी कैप्टन्स हैं मैंने देखा कि वो लोग, मतलब नाम तो पर्सनली नहीं लूँगा, लेकिन बहुत से कैप्टन्स हैं जैसे कि उन लोगों ने टैलेंटेड प्लेयर्स को चांस नहीं दिया है, लेकिन मैं विराट सर के अंदर ये देखा हूँ कि उन्होंने टैलेंटेड प्लेयर्स को चांस दिया है। फॉर एग्जांपल मैं आप सभी को बोल दूँ सिराज भाई मोहम्मद सिराज, जैसे कि आप देख रहे हैं उनका क्या पहले क्या बॉलिंग था, फिर भी उनको चांस देगा कि विराट सर जानते थे कि उसके अंदर है कुछ, वो कुछ करेगा, सो उसको चांस देते आज ये बॉलर अच्छे हैं। अभी जैसे कि सिराज भाई अभी बहुत अच्छे बॉलिंग करा रहे हैं और उनका भी लाइफ विराट कोहली ने बना दिया है, बट मैं सेटिस्फाइड नहीं हूँ कि कैप्टेंसी छोड़ रहे हैं, बिकॉज आई डोंट थिंक दैट वी विल गेट दैट लाइक कैप्टन अगेन एंड अगेन। सो फाइनली गाइज, मैं बता दूँ कि मैं अभी ड्रीम है कि क्रिकेटर बनूँ, इंशाल्लाह कहीं बन गया। सो आई विल मी गोइंग टू मिस विराट कोहली, बिकॉज विराट कोहली जो पर्सन है ना, वैसा कोई पर्सन मुझे आज तक दिखा नहीं है एज ए कैप्टन। वो बहुत अच्छे आदमी है, भले वो गुस्साते हैं या कुछ भी, लेकिन टैलेंट को चांस देते हैं। सो अभी इंडिया में बहुत है कि टैलेंट को चांस नहीं दिया जाता है, जिसके पास टैलेंट है उसको चांस नहीं मिलता है, लेकिन विराट सर को मैं एग्जांपल के तौर पे देखता हूँ कि उन्होंने चांस दिया है मोहम्मद सिराज को, एंड बहुत से प्लेयर हैं उनका भी लाइफ को पूरा चेंज कर दिया, मतलब चांस दे के उसके टैलेंट को पूरा पब्लिक में शो किए हैं। सो मेरा यही कहना है कि अगर आप लोग को भी विराट कोहली की अगर आप फैन हैं तो प्लीज़ कमेंट सेक्शन में बस इतना लिख देना, विराट भाई प्लीज़ डोंट लीव कैप्टेंसी से प्लीज़ मत हटो। और एक और चारा है जो कि RCB से तो मे भी नहीं हो पाएगा, लेकिन इंडियन टीम में रह सकते हैं, बिकॉज अगर BCCI दुआ करो यही आप लोग कि इंडिया टीम जीत जाए और विराट कोहली कैप्टेंसी ना छोड़ेंगे। सो मेरे पास अब कोई स्पीच बचा नहीं है कि आप सभी को बोलूं, बिकॉज बहुत बहुत सैड न्यूज़ है मेरे लिए। आई डोंट थिंक कि विराट कोहली इतना जल्दी कैप्टेंसी छोड़ रहे हैं, बिकॉज अब क्या बताऊँ किस रीज़न से छोड़ रहे हैं, डेट आई डोंट नो, बट रीज़न तो है बहुत से रीज़न, लेकिन बताना नहीं चाह रहा हूँ मैं इस वीडियो में, बिकॉज बहुत से यहाँ पर झमेला हो सकता है। सो गाइस प्लीज़ आप लोग विराट कोहली को सपोर्ट करो और दुआ करो ये कि इंडिया टीम जीत जाए और विराट कोहली फिर से कैप्टेंसी छोड़े ना, विराट कोहली कैप्टेंसी संभाल ले, और बस यही है दिल का दुआ कि विराट कोहली कैप्टेंसी करते रहें। और मेरे पास अब कोई स्पीच नहीं है कि आप सभी को बोलूँ, मेरे पास बहुत अंदर फीलिंग्स, बहुत कुछ मैं बोलना चाहता हूँ, लेकिन मुँह से आवाज़ निकल नहीं रहा है बिकॉज ऑफ दिस वेरी सैड न्यूज़ फॉर मी। सो गाइस अब एंड करते हैं वीडियो को, बिकॉज मुझे बहुत बहुत ख़राब लग रहा है, बहुत ख़राब। वेल सो
एंड करते हैं। सो गाइस वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक नहीं करो, चलो लाइक सब्सक्राइब मैं इस वीडियो से नहीं मांग रहा हूँ, प्लीज़ सिर्फ एक कमेंट लीव कर देना कि विराट भाई प्लीज़ डोंट लीव द कैप्टेंसी, और उससे कुछ विराट कोहली कुछ मोटिवेट हो हम लोग के स्पीच, हम लोग के कमेंट से, किया उनके फ़ैन अभी भी उनका इंतज़ार कर रहे हैं, उन में हमारे अंदर में है जुनून कि विराट कोहली ज़रूर कैप्टेंसी में RCB को सच जिता रहे हैं। आगे गाइज कैप्टेंसी में मतलब क्या है गाइज, अगर बेचारे तो अच्छा खेलते ही हैं लेकिन उनका टीम सपोर्ट भी है, लेकिन कभी कभी तो आप समझ सकते हैं ये क्रिकेट है, क्रिकेट लक के ऊपर होता है गाइज। सो अब मैं तो ना बोलूँगा कि वीडियो लाइक करो सब्सक्राइब करो, आपका मैंने लाइक करो सब्सक्राइब, बस वीडियो को शेयर करो ज़्यादा से ज़्यादा, और बस वीडियो को शेयर करो अपने फ्रेंड्स और फैमिली में, और बस कमेंट जरूर से लीव करना, मेरा भाई मोटिवेट हो जाए। चलो बाय, थैंक्स।